क्या है बिहार में होने वाला पकड़ौवा विवाह? बिहार में क्यों फेमस है पकड़ौवा विवाह? पकड़ौवा विवाह वरदान है या अभिशाप? 1990 का दशक बेहद पिछड़ा माने जाने वाला राज्य बिहार। पिछड़ेपन के शिकार बिहार में उस दशक में एक चीज काफी प्रचलित थी, वो था पकड़ौवा विवाह। अगर आप बिहार के नहीं है तो शायद ही इस बारे में सुना होगा, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा तक पकड़ौवा विवाह के बारे में जानता है। उस वक्त तो युवा वर्ग पकड़ौवा विवाह के डर के साए में जीता था। शादियों और बारातों में बिहार का कोई भी कमाऊ पूत जाने से डरता था, वजह यही पकड़ौवा विवाह था। बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए इस बारे में सब कुछ क्लियर है, लेकिन अगर बिहार छोड़कर देश के किसी भी राज्य के निवासी हैं तो इसके बारे में जानना आपके लिए रोचक होगा। हालांकि बिहार के ज्यादातर लोग भी इसके बारे में सुनते भर ही हैं। जहां तक आज की बात है, पकड़ौवा विवाह का चलन काफी कम तो हो गया है, लेकिन आज भी जो इसके जाल में फंस जाता है कहीं का नहीं रह जाता। तो चलिए जानते हैं क्या है पकड़ौवा विवाह। पकड़ौवा विवाह क्या होता है? इसका मतलब नाम में ही जाहिर है। पकड़ौवा यानी पकड़कर और विवाह का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, यानी पकड़कर यानी जबरदस्ती शादी करा देना। पकड़ौवा विवाह में किसी भी ऐसे लड़के की जो शादी के लायक है या फिर शादी की उम्र तक आते आते अच्छी नौकरी वाला हो या फिर घर से संपन्न हो, उसका अपहरण कर उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। लोगों के मन में पकड़ौवा विवाह को लेकर दो तरह के विचार हैं। एक तो इसमें दहेज देने से बच जाते हैं, दूसरा काबिल लड़का दूल्हे के रूप में मिल जाता है। बिहार में इसका चलन 1980 के बाद शुरू हुआ था और 1990 के दशक में आते आते ये अपने शबाब पर था। यहाँ ये साफ कर दें कि बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा पकड़ौवा विवाह करवाया जाता है। बेगूसराय में इसका चलन इसलिए ज्यादा है कि इस जिले में भूमिहार जाति का वर्चस्व है और यहाँ दहेज प्रथा उस वक्त जोरों पर थी। ऐसे में तर्क दिया जाता है कि पकड़ौवा विवाह दहेज प्रथा के विरोध में किया जाता है। उस वक्त ये चलन भी था कि दहेज का विरोध करने वाले पकड़ौवा विवाह करवाया करते थे। कई बार तो पकड़ौवा विवाह में गोलियां तक चल जाती हैं, कईयों की जानें चली जाती हैं। कैसे कराया जाता है पकड़ौवा विवाह? एक तरह से माना जाए तो पकड़ौवा विवाह शिकार की ही तरह है। इसके लिए ऊंचे खानदान, समृद्ध परिवार, उच्च शिक्षा प्राप्त, नौकरी पेशा लड़कों को शिकार बनाया जाता है। मौका पाकर ऐसे लड़कों का अपहरण कर लिया जाता है। पकड़ौवा विवाह कराने वाले ज्यादातर अपना शिकार शादियों वाले घरों में खोजते हैं। अपहरण कर लड़के को लड़की के घर लाया जाता है। उसे दूल्हे की तरह खूब सजाया धजाया जाता है। नियमों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लड़के को मौरी भी पहनाया जाता है। दरअसल मौरी दूल्हे की स्वीकृति का प्रतीक होता है। पकड़ौवा विवाह का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है ताकि सबूत तैयार किया जा सके। हैरत की बात है कि पकड़ौवा विवाह संपन्न हो जाने के बाद मंदिर के पुजारी की तरफ से शादी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। पकड़ौवा विवाह के दौरान उपस्थित पुजारी गांव और समाज का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो इसका विरोध करता दिखे। पकड़ौवा विवाह पर चौंकाने वाले आंकड़े। पूरी तरह से गैरकानूनी पकड़ौवा विवाह का चलन बिहार में कमोबेश आज भी जारी है। पिछले 2-3 सालों की बात छोड़ दी जाए तो 90 के दशक के बाद इसका चलन बढ़ता ही गया, यानी कि पकड़ौवा विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। मीडिया में दिए गए रिपोर्ट्स की माने तो 2015 में पकड़ौवा विवाह की संख्या 3000 से ज्यादा रही, वहीं 2016 में इसकी संख्या 3075, 2017 में 3405, 2018 में 4317, 2019 में 4498 और 2020 में 2695 लड़कों का किडनैप किया गया था। वहीं एनसीआरबी की रिकॉर्ड खंगालेंगे तो पता चलेगा कि 2021 में पूरे इंडिया में 18 से 30 साल तक के आयु वर्ग के 3507 लड़कों का किडनैप किया गया था, जिसमें अकेले बिहार से 597 लड़के थे। ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि बिहार का फेमस पकड़ौवा विवाह वरदान है या श्राप। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।